तो दोस्तों स्वागत है आपका अल्टीमेट टेक टू में। आज हम बात करेंगे इस रोग स्ट्रिक्स GL503ge के बारे में। इसके जो पुराने मॉडल थे GL503VD और VM, VD के अंदर आपको मिलता था 1050 ग्राफिक्स कार्ड और 503VM के अंदर आपको मिलता था 1060 ग्राफिक्स कार्ड। बट इस बार जो ये लैपटॉप लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है i7 8th जनरेशन प्रोसेसर और i5 8th जनरेशन प्रोसेसर के साथ। i7 प्रोसेसर की इस बार बात अच्छी ये है कि इसके अंदर जो कोर्स हैं वो क्वाड कोर से हेक्सा कोर कर दिया गया है, मतलब आपको इंक्रीमेंट है दो कोर्स का, जिसकी वजह से आपकी 25% प्रोसेसिंग पावर वैसे ही बढ़ गई। और उसके अलावा इसके अंदर आपको 30% का लगभग कैश मेमोरी का इंक्रीमेंट है। पिछली बार ये 9 MB थी, इस बार इसको 12 MB कर दिया गया। यही सबसे पावरफुल बात है कि CPU की DDR4 मेमोरी को पिछली बार 2400 MHz की थी, इस बार उसे 2666 MHz की कर दिया गया है। और इसका जो सपोर्ट है वो 32 GB तक करेगा ये प्रोसेसर इस बार मेमोरी को, अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी मेमोरी को अपने लैपटॉप में। वेल अगर हम बात करें ग्राफिक्स कार्ड की, तो इस बार इसे मिलता है GTX 1050 4 GB रैम के साथ। ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ये 15% पावरफुल है पिछले वाले मॉडल से, जो कि था सिंपल GTX 1050। उसके अंदर TI वाला शब्द नहीं है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो पिछले वाली जो सीरीज थी ग्राफिक्स कार्ड की NVIDIA की GTX 960 से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर इसकी डिस्प्ले की, तो ये ऐसा लैपटॉप है जिसकी डिस्प्ले इतनी कलर एक्यूरेट है कि कोई भी 1,30,000 तक के लैपटॉप में ऐसी डिस्प्ले नहीं दी गई है। इसका जो कलर सेचुरेशन है वो है 92% sRGB और 130% NTSC। इसकी वजह से आप जो प्रोफेशनल वर्क है कंटेंट क्रिएशन के, उन्हें भी आप इजीली कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत ही कलर एक्यूरेसी के साथ, जो कि आपको किसी भी और लैपटॉप में नहीं मिलेगा। और आप इसके कीबोर्ड की बात करें तो ये अकेला कीबोर्ड है 1,00,000 रुपये से नीचे, जिसके अंदर आपको RGB लाइटनिंग मिल रही है। वेल इसके जो कीबोर्ड है उसे 4 हिस्सों में बांटा गया है अलग अलग लाइट्स बनने के लिए। उसके अंदर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं जो कि ओरा सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको मिल जाएंगे। अगर इसके पोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स दिए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर USB 3.0 आपको 3 पोर्ट्स मिलेंगे, 2.0 एक पोर्ट मिलेगा। उसके अलावा वो टाइप सी दे रखा है बट वो थंडरबोल्ट सपोर्टेड नहीं है, बाकी वही सारे पोर्ट्स हैं इसके अंदर जो बाकी सारे लैपटॉप्स में आते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसको कूल करने के लिए इन्होंने दिया गया है इसके अंदर डुअल फैन कूलिंग सिस्टम, जिसका जो फैन स्पीड है वो 5000 RPM है। बट 5000 RPM पे इसकी जो लोड पड़ने पे इस लैपटॉप की साउंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके अंदर आपको डुअल वेंटिलेशन टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया है। कहने का मतलब ये है जो कीबोर्ड की आपकी अपर साइड है वहाँ से भी ये एयर लेता है, अगर आप इसे गलती से अपने बेड वगैरह पर रख के चलाते हो लैपटॉप को तो। वेल अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के मामले में आपको मिलेगा इसमें 1 TB Seagate की सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, जिसकी स्पीड नॉर्मल हार्ड ड्राइव से लगभग 2 गुना तक होती है। और उसके अलावा आपको मिलेगा इसमें 256 GB तक SSD NVMe 3.0, जिसके अंदर जो PCI लेंस है वो 4 है। कहने का मतलब ये है कि आपको इसके अंदर मिल सकती है मैक्सिमम 3.5 GB/s की स्पीड डेटा को कॉपी या फिर पेस्ट करते वक्त। अगर गेमिंग के ओरिएंटेशन से देखें तो इसकी डिस्प्ले की सबसे खास बात यह है कि 120Hz की डिस्प्ले है। बाकी जो डिस्प्ले आती है नॉर्मल लैपटॉप में 60Hz की होती हैं या फिर 48Hz की होती हैं। और इसके जो रेस्पॉन्स टाइम है वो 3 मिलीसेकंड है गेमिंग की वजह से। कहने का मतलब यह है आप जब गेमिंग करेंगे 1050 ग्राफिक्स टाइटन के साथ, तो आपको जो फ्रेम रेट मिलेंगे हायर, फॉर एग्जाम्पल 100 FPS या फिर 120 FPS, वो आपके फालतू में बर्बाद नहीं जाएंगे। तो इसकी स्क्रीन की बात करें तो आती है टेम्परेचुरल कट के साथ, उसकी वजह से जो इसकी स्क्रीन है वो ऊपर उठ गई, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन को देखना काफ़ी आसान होगा और इजीली आप अपने इंडिकेटर्स को देख सकते हैं। उसके लिए हम बात करें तो इसे गेमिंग ओरिएंटेड ना रखते हुए इसके जो लुक को लैपटॉप को प्रोफेशनली भी डिज़ाइन करा गया है। उसके अलावा इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 65 Wh की बैटरी है, जो कि 2 से लेकर 7 घंटे तक चल सकती है डिपेंड अपॉन योर वर्कलोड। और गेमिंग अगर करेंगे तो मुश्किल से 2 ही घंटे चलेगी। थैंक्स अ लॉट।